जब तमाशा बनाया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग मेरी उम्मीदों के झिलमिलाए क्यों, जला जला के बुझाया है जिंदगी। कल रेस्टोरेंट में तुम किसके साथ थी? ओह, तो तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह ये है? मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने दूंगा, और घर तो मैं तुम्हें वापस ले जाकर ही रहूंगा, भले ही मुझे कानून का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। तुझे सस्पेंड कर दिया क्या? मैं कुछ समझा नहीं पापा। भूल जाओ उसे। मतलब? मतलब तलाक। क्या? तलाक के पेपर्स? जी हाँ, तलाक के पेपर्स। श्रद्धा, श्रद्धा, what's wrong with you यार? श्रद्धा प्लीज संभालो अपने को, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। बात क्या है श्रद्धा? बहुत परेशान हो, बताना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा। चाय कॉफी कुछ भी होगी ये लो। घर जाना चाहती हो? नहीं, काम करते हैं। That's very good. तो फिर प्रेजेंटेशन की फाइल बनाए। चलो। श्रद्धा, ऐसी क्या बात है श्रद्धा? देखो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो प्लीज बताओ, तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? दरअसल बात यह है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बी ब्रेव श्रद्धा, ऐसी बातें करके तुम मेरी तौहीन कर रही हो। क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूं? देखो श्रद्धा, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहती हो। कुछ भी हो जाए, पर ऐसी हालत में एक औरत के लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होता है। मैं समझ सकता हूं श्रद्धा, लेकिन फिर भी तुम्हें यही सलाह दूंगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी मत करना, आराम से पूरा टाइम लेकर सोच। वैसे भी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे, तब तक शायद तुम्हारे लिए भी कोई फैसला लेना आसान हो जाए। सो नो टेंशन, ओके? जस्ट चीयर अप, कम ऑन। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। नहीं श्रद्धा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, ओके? नाउ जस्ट स्माइल। Just a minute. हेलो, हाँ खन्ना जी। सर वो अभी बात मत करना। किससे बात ना करूं? अरे अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना। हाँ हाँ समझ गया, सिकंदर से बात नहीं करनी है। ओके, हाँ तो क्या कह रही थी आप? क्या उसने तलाक के कागजात पर साइन करने से इनकार कर दिया? जी हाँ, और वो भी बिना कोई खास वजह बताए। मुझे आगे भी उम्मीद नहीं दिखती कि वो तलाक के पेपर्स पर साइन करेगी।
घर आएगी नहीं, तलाक देगी नहीं, तो आखिर वो चाहती क्या है? पेशेंस, पेशेंस। वकील साहब है ना? अच्छा वकील साहब एक बात बताइए, अगर आपसी बातचीत से तलाक नहीं हो सकती तो दूसरा क्या रास्ता है? है सिर्फ एक रास्ता है, मिसेस सक्सेना पर कोई झूठा इल्जाम लगाकर कोर्ट में तलाक के लिए अपील की जा सकती है और इल्जाम साबित करके तलाक भी हो जाए। इल्जाम? हाँ इल्जाम। ठीक है हम लोग आपस में सोच विचार कर लें फिर आपको बताते हैं। तो फिर मुझे इजाजत दें। जी मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं हमसे तो फिर तलाक के कागजात पर साइन क्यों नहीं किया? क्या पता पापा, हो सकता है सौदेबाजी करना चाहती हो। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते बेटा, ऐसी लड़की नहीं है वो। पापा कामता प्रसाद जी शुरुआत में बेईमान लगे थे क्या? आखिर श्रद्धा उन्हीं की बेटी है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटा हमें कम से कम ये तो मालूम हो कि उसे चाहिए क्या। पापा हमें क्या जरूरत है पता लगाने की, जो कुछ भी सामने आ जाएगा ना क्या हम उस पर इल्जाम लगाएंगे? हाँ पापा, और वैसे भी देखा जाए तो ये इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है। आखिर उसका अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ अफेयर तो चल ही रहा है ना। लेकिन बेटा इसमें भी तो बदनामी हमारी ही है। पापा एक बार उससे अलग होकर बदनामी भी हमसे अलग हो जाएगी और फिर उसे भी तो पता चले कि आखिर बदनामी होती क्या है। आनंद आनंद बेटा इस सच्चाई को कोर्ट में साबित करना होगा। उसके सबूत वो खुद ही देगी पापा। अच्छा एक बात बताओ आनंद, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये अफेयर? 100% पापा। फिर भी बेटा इस रास्ते पर चलने से पहले एक बार उसे समझा बुझा कर तलाक के लिए राजी करने की कोशिश करें क्या? कोई जरूरत नहीं है पापा, मैं उसे जानता हूं, वो सौदेबाजी पर उतर आएगी। ठीक है जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं। मिस्टर तनेजा, एक हफ्ते का समय काफी होगा मेरे लिए, अभी कल तक सुधा केमिकल्स की सारी डीलिंग्स मैंने ही तो फाइनल करवाई है। अच्छा फिर तो आपका साथ काफी फायदेमंद रहेगा मेरे लिए। वैसे आपने जो कुछ भी कहा मुझे आपकी सारी बातें अच्छी लगी, आपके साथ काम करके मुझे वाकई खुशी होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। ओनली वन वीक मिस्टर तनेजा, सिर्फ एक हफ्ता, और अगर हफ्ते भर में आपके लिए कोई भी डील साइन नहीं करवा पाई तो लानत है मेरी प्रोफेशनलिज्म पर। तो फिर हम आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस के पेपर तैयार करवा लें। ओह श्योर व्हाई नॉट, वी बिलीव इन 100% प्रोफेशनलिज्म मिस्टर तनेजा। वैसे भी लंबे समय तक अगर साथ काम करना है तो ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। ऑफ कोर्स श्योर मिस्टर तनेजा, प्रोफेशनलिज्म एथिक्स ये भी कहती है कि दो पार्टी की आपसी डीलिंग्स की खबर किसी तीसरी पार्टी को लगनी नहीं चाहिए। डोंट वरी अबाउट दैट, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप मेरे लिए काम कर रही हैं। ओके एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ जस्ट कमिंग। वैसे मिस्टर तनेजा एक बार मेरे साथ काम करने के बाद आपको खुद ब खुद ये आइडिया लग जाएगा कि आपने मुझ पर विश्वास करके कोई भूल नहीं की है। वो विश्वास तो मुझे अभी से ही हो रहा है। मे आई कम इन सर? ओह प्लीज कम इन, कम इन। पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये है मलिका जी, और मलिका जी ये है आरती, बहुत ही टैलेंटेड और सिंसियर गर्ल। क्या नौकरी से निकाल दिया? हाँ, और वो भी बिना किसी खास वजह के। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? उन्होंने कहा क्या? कुछ भी नहीं कहा माँ जी, मैं पूछती रही, बस ये कह दिया कि कल से प्लीज मत आना। अरे ये क्या तरीका हुआ, ना कोई नोटिस ना कोई इन्फॉर्मेशन, जब मर्जी हुई रख लिया, जब मर्जी हुई निकाल दिया। आरती कहीं तुमसे कोई गलती हो गई हो और तुम्हें याद नहीं? नहीं माँ जी,
सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था, इनफैक्ट बहुत अच्छा था। आज जब मलिका ऑफिस आई थी तो तनेजा साहब ने मुझे बुलाकर उससे मिलवाया भी था और मेरे काम की बहुत तारीफ भी की थी। मलिका, तुम्हारी कंपनी के मालिक से मिलने आई थी? जी हाँ। तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं हुआ ये सब? उसकी वजह से क्यों होगा? मल्लिका का आना, फिर तुमसे मिलना और फिर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाना, कहीं ना कहीं वजह तो मल्लिका ही है। आप भी पता नहीं कौन सा लिंक बनाने लगती है। अब इसका नौकरी से निकाले जाना और उसका वहाँ पर ऑफिस में आना, इसका दोनों का कोई लिंक नहीं। तुम खुद ही सोचो, मल्लिका के आने के बाद ही इसे नौकरी से क्यों निकाला गया, पहले क्यों नहीं? हो ना हो, मल्लिका ने ही इसे नौकरी से निकलवाया है। अब वो ऐसा क्यों करेगी? उसे आरती की जगह खुद तो नौकरी करनी नहीं है। हाँ, वैसे भी उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम लोग मानो या ना मानो, वजह तो मल्लिका ही है। अरे माँ, उसके ऐसा करने की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही है। शिम्पू को भी गलत रास्ते पर चलाने के लिए बरगलाने की भी कोई वजह दिखती है क्या? अरे माँ, उन दोनों की जान पहचान बहुत पुरानी है। वो दोनों साथ काम करते थे, साथ काम कर रहे हैं, ये दोनों एकदम अलग बात है। क्यों? ये भी तो हो सकता है कि उसे हमारे परिवार के साथ ही कोई दुश्मनी हो। उसे हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? माँ, आपका ये शक और ये सब बातें बेबुनियाद है। खैर, अब तो जो होना था वो हो चुका, नौकरी तो चली गई। और हाँ, हम फिर से वहीं खड़े हैं उन्हीं हालातों के साथ, आगे का कुछ पता नहीं। कोई दूसरी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी ना। ये नौकरी भी कितनी भागदौड़ के बाद मिली थी। तो इसमें निराश होने वाली बात क्या है, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। हाँ माँ जी, एक उम्मीद तो बन गई थी, थोड़ी राहत हो गई थी कि नौकरी मिल गई है, लेकिन अब सामने फिर से सब वही ब्लैंक। अरे कुछ ब्लैंक नहीं है आरती, तुम्हारी योग्यता पर ये काम तुम्हें मिला था और आगे दूसरा काम मिल जाएगा। तुम दुखी मत हो बहू, हमारे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे, क्यों शर है? और नहीं आएंगे तो हम उनको ले आएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया? या प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स सर, आप डिक्टेशन लेंगे? डिक्टेशन? नो नो, नहीं तो। तो फिर? बस वैसे बुला लिया, क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, पर देखो आरती, मैंने सोचा कुछ बातें बातें करेंगे, तुम्हारे बारे में कुछ तो मैं जानता हूँ, कुछ और जान जाऊंगा। तो सर मैं बात नहीं हूँ। क्यों? वो सर दरअसल सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही रेडी करके मेल करने हैं। वो काम तो तुम दो घंटे बाद भी कर सकती हो। 3 बजे तक मेल करना है। ओ आरती, रिलैक्स, टेंशन मत लो। हाँ लेकिन सर। देखो आरती, काम तो करना ही है, काम मैं भी करता हूँ, बाकी सब लोग भी करते हैं, लेकिन काम करने के लिए इजी होना बहुत जरूरी है। आई मीन तुम्हारे और मेरे बीच का कंफर्ट लेवल सेट करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो काम कैसे करेंगे? जब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो काम तो नेचुरली हो जाएगा। सर वो तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। गुड, वेरी गुड, बस थोड़ी देर बैठो। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हो? जी। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? सब। सर लेकिन वो फाइल रेडी करनी है तो मैं जाऊँ। सॉरी सर। ठीक है आरती, तुम पहले अपना काम पूरा कर लो, हमारा ख्याल है, हम तो धीरे धीरे करीब आ ही जाएंगे। ओके सर। उनके घर वालों ने बताया कि शिम्पू कहीं रिश्तेदार के यहाँ गया है। गो। डार्लिंग, क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो? हाँ, और वैसे भी तुमने जो मलिका की हालत की थी, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो इस शहर में भी रह पाए? हाँ, अरे जरा सोचो, मलिका अपनी जान बचाकर भागेगी या फिर वो शिम्पू को साथ ले जाने की सोचेगी?
तू तो हमेशा से ये कहते रहती है, ऐसे जैसे वो तुझे बताकर गई है। क्या कहीं तूने तो नहीं भगाया उसे? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ भला भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? और हाँ, मैं जरूर ऐसा करती अगर वो नहीं भागती, क्योंकि उसी के कारण तो हम इतना करीब आए। तो धीरे धीरे मल्लिका की जैसे तेज होती जा रही है। अच्छी लगी मुझे तेरी अदा। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए और बहुत सी बातें अच्छी लगेगी। बहुत खुश करूंगी तुम्हें अपनी काबिलियत से और अपने प्यार से। इतना यकीन है खुद पर? है क्यों? चुटकियों में मल्लिका को तुम्हारे दिलो दिमाग से बाहर न कर फेंका तो तुम देखना मेरा नाम नैंसी नहीं। और वो तो तू कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मल्लिका को बहुत प्यार करता हूं मैं। तुम इसे प्यार कहते हो? मैं नहीं मानती। और जो मैं तेरे साथ करता हूं तू उसे प्यार कहती है? हाँ यही प्यार है। अच्छा किया उसने जो शहर छोड़ के चली गई, बहुत अच्छा किया। क्या करूं, वो मजबूर करती थी मुझे ये सब कुछ करने के लिए। उसके साथ ऐसा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता था, तकलीफ होती थी मुझे, तकलीफ। अच्छा किया जो शहर छोड़ के चली गई। और उससे भी अच्छी बात यह है कि तुमने इसे मान लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी जिंदगी से चली गई है। क्या मतलब? वापस तो उसको आना ही पड़ेगा मेरे पास, वापस तो उसको आना ही पड़ेगा। May I come in, sir? Please, please come in. Sir, ये documents एक घंटे में ready हो जाएंगे। कौन कमबख्त काम की बात कर रहा है आरती? आरती, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अचानक क्या हुआ? मुझे, सर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? होगा, कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा आरती। सर ये फाइल रेडी कर ले, कल फिर आपको साथ में लेकर भी जाना है। कुछ नहीं लेके जाना आरती, कुछ नहीं लेके जाना है। हाँ क्या मतलब? देखो आरती, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इशारों को समझने की कोशिश करो। हाँ सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे एहसास जगाने की कोशिश कर रहा हूँ आरती। ये सब क्या है सर? प्यार आरती, प्यार। हाँ देखो आरती, आई लव यू आरती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक शादीशुदा औरत और एक इज्जतदार खानदान से। ये तो बहुत अच्छी बात है आरती। देखो देखो देखो, तुम शादीशुदा हो और मैं भी शादीशुदा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें आजादी मिलती है कुछ भी करने की। सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तभी तो मैं तुम पे फिदा हूँ आरती। आरती अपनी खूबसूरती का थोड़ा सा। मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ, ये सब नहीं। इसे नौकरी समझ लो। देखो तुम्हें तनख्वाह के साथ साथ बोनस भी मिलेगा और जिंदगी के मजे भी। मेरे दिल पे राज करोगी तुम और इस ऑफिस में भी। हाँ आप मेरी विनम्रता और सहनशीलता का गलत मतलब लगा रहे हैं। और तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी करें और मैं घाटे का रिस्क लेकर जीती रहूं। अरे नहीं नहीं बस, समझ गया मैं, अब आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ये घर भी छोड़ना पड़े? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो तुम चल रही हो ना? ओके। मगर अब आरती नौकरी नहीं कर, फिर कैसे चलेगा? मेरी नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं। उनका बिजनेस कम तो हुआ ही, 100% कम हुआ होगा, हमने इतने क्लाइंट जो तोड़ दिए उसके। ये घर भी छोड़ना पड़े? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो फिर तुम चल रही हो ना? ओके।
जाऊं का मतलब? भूल गई? मेरा डिनर ड्यू है, अपना प्रॉमिस भूल गई? कहा था ना घर में शिफ्ट होते ही खिलाओगी। याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, पर अभी तो शिफ्ट हुई हूँ, तुम्हें मैं वीकेंड पे बुलाती हूँ।